अजय, आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, फिल्म शिवाय में आपकी आंखों ने क्या बोला? ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरी आंखें बोलती हैं मुझे पता नहीं, बट अब इसका जवाब कैसे दूं मैं? शिवाय जो कैरेक्टर है बेसिकली एक मैं कहूँगा कि एक बाप बेटी की इमोशनल कहानी है, और उस थॉट, उस इमोशन को लेके पूरी पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है। तो शिवाय टाइटल इसलिए है साथ में क्योंकि जब आप एक थॉट उठाते हैं जो मैं फील कर रहा था बहुत स्ट्रांगली कि एक पेरेंट इस फिल्म में एक बाप बट अदरवाइज माँ या बाप किस हद तक अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं और बच्चा ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने पेरेंट की तरफ रिएक्ट करता है। तो बेसिक स्टोरी वो है। फिर तो एक इमोशनल कहानी है और हर चीज़ जो है, जो पिक्चर का एक्शन भी आप देखेंगे वो भी बहुत ही इमोशनल जोन में है। कोई ऐसे हवा में लोग नहीं उड़ रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इट्स अ पार्ट ऑफ द इमोशन, एक्शन इज अ पार्ट ऑफ द इमोशन ऑफ द फिल्म। और इस इमोशन में जो आपके बाकी के किरदार हैं, नए चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, वो क्या क्या रोल निभा रहे हैं? एरिका है, बिगेल है, साइशा है। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिकॉज ये एक इमोशनल ड्रामा है तो परफॉर्मेंसेस बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए। मुझे एक साल भर लगा इन सब को ढूंढने में, इन दोनों को, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू बी इंडियन। तो दुनिया भर में मैंने काफ़ी जगह स्क्रीन टेस्ट हुए, सब हुआ, तब जाके मुझे ये दोनों मिले। और एक मुझे नई लड़की चाहिए थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे, तो साइशा में मुझे वो नज़र आया, उसको भी मुझे ढूंढने में 6-8 महीने लग गए। और उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये तीनों मिले। आप जब फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। हम जानना चाहेंगे कि आपने कॉमेडी भी कर ली है, आपने रोमांस भी कर लिया है, आपने एक्शन पैक धमाकेदार एक्शन भी दिखा दिया है, इस फिल्म में ऐसा क्या नयापन है जो ऑडियंस को खींच लाएगा थिएटर की ओर? एक तो जिस स्केल पे फिल्म है और जिस तरीके से शूट हुई आपने देखा नहीं होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फिल्म की है कि जो इसका इमोशन है, जब आप फिल्म देख के बाहर निकलेंगे तो मैं चाहूँगा और जिन्होंने देख के, जो भी देख के बाहर निकले हैं, उनको वही फील हुआ जो मैं चाह रहा था कि हो। और आपका इसमें कनेक्शन अबिगेल के साथ बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। सो अबिगेल, हाउ वाज इट वर्किंग विद अजय देवगन? आई मीन, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ योर फादर, सो ही एवर स्कॉल्डेड यू ऑन सेट? बिकॉज़ फादर्स आर सपोज्ड टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल। नो, नॉट एट ऑल, फादर्स आर द मोस्ट लीनिएंट। सो हाउ वाज ही ऑन स्क्रीन एंड इन द फिल्म आल्सो? वी सपोज्ड वी आर मोर नॉट फादर एंड डॉटर, वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स। या, लाइक इट्स अ फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप, बट सो वी जस्ट लाइक any father and daughter are kind of best friends, aren't they? Like, Erica, have you seen Ajay Devgn's film earlier? Like, I've seen Kajol's films. I started with that, but I have seen some of the films, but not all of them. And I think Ajay is pretty great. Any with memory action. Of a favorite film of yours, of Ajay Devgn's favorite, like it's yours? She, film. She finished shooting. She hadn't seen any Indian film. Okay. And then I asked her not to see because I didn't want her to get. मैं नहीं चाहता था कि इन्फ्लुएंस हो इंडियन परफॉर्मेंसेस से। ओके। जो स्टाइल मुझे मेंटेन करना था। स्टाइल से मुझे याद आया, अजय जी, आपने स्टाइल की बात अब उठी है तो आपने स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कोई मेकअप नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। जहाँ जरूरत थी हल्का सा मेकअप था, हाँ। और जिन सीन्स में जरूरत नहीं थी वहाँ पे, वैसे इतनी खूबसूरत लड़कियां तो मेकअप की जरूरत क्या है। कितना ग्रैंड डेब्यू मिला है आपको, मतलब आप अजय देवगन के साथ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड के साथ काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा, बताइए। आई थिंक बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को, पहली फिल्म में मुझे ऐसा मौका मिला। बहुत सारे न्यू कमर्स को नहीं मिलता है, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। कैसा लगा? बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि पहली फिल्म है, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है, तो हर सीन, हर शूटिंग की मेमोरी बहुत ही खास रहेगी। इसके लिए भी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हमने सुना है कि जितने भी स्टंट्स हैं, बिल्कुल, उनमें से मेजरली इन्होंने मतलब बॉडी डबल यूज नहीं किया। नहीं, नहीं। और बहुत ही खतरनाक स्टंट्स ट्रेलर में दिखाए जा रहे हैं। आजकल तो फिर भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया था तब तो कोई प्रिकॉशंस थे ही नहीं। अगर आप फिर भी इतनी ठंड में आपका टेम्परेचर लो हो गया था, बहुत वो उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बड़ा एक थैंक यू कहूँगा, क्योंकि
ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जिन जिन सिचुएशंस में, जैसे ये लोकेशन है, -20, -25 डिग्री में काम करना, वहाँ 5 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते. और वहाँ पे सब मेरे साथ खड़े रहे और सबने मिलके काम किया और आज ये रिजल्ट आया. तो ये उन सब के बिना हो ही नहीं सकता था, बिकॉज वो कंडीशंस में काम करना बहुत बहुत इम्पॉसिबल. सीधा आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि लॉर्ड शिवा जो कि शक्ति के स्वरूप हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और भोलेनाथ जिन्हें कहा जाता है, तो आप कितना मेल खाते हैं उन क्वालिटीज से या उन एलिमेंट से? आई डोंट नो मेल खाता हूँ कि नहीं, बट मैं कनेक्शन फील करता हूँ और बचपन से ही मेरा ये रहा है तो एक किस्म से. और मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ जो जो चीज़ें आपने कही, क्योंकि आप बाकी सब कहानियाँ जो सब बाकी सब भगवानों की पढ़ेंगे तो वो एकदम एकदम परफेक्ट है. लॉर्ड शिवा एज वी से वही एक अकेले हैं जो जिनमें ये सब इम्परफेक्शंस हैं. भोला भंडारी जैसे आपने कहा, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, भांग वो पीते थे, गलतियां वो करते थे, तो ये सब हैं आप में एलिमेंट्स. ये हर एक इंसान में, ये तो हर एक इंसान में. एंड इस कैरेक्टर का नाम इसलिए शिवाय क्योंकि कैसे ये उन सब एलिमेंट्स जो आप में हैं, जो मुझ में है, सब में, एंड देन दी अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, तो ये सब एलिमेंट्स को कैसे वो यूज़ करके ही बिकम्स एन अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर फॉर हिज डॉटर.